वेलकम टू माय चैनल बैंक निफ्टी लवर्स। बैंक निफ्टी लवर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी समय के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ सोच रहा था कि कुछ अच्छा कंटेंट मिले तभी बनाऊंगा, तो इस वजह से मैं ये लेट वीडियो बना रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ ट्रेडिंग में आपकी मदद करेगा। और स्पेशली मैं बैंक निफ्टी निफ्टी में ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं लोगों का इंटरेस्ट भी बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शंस में ट्रेड करने का होता है, तो उसी नज़रिए को लेकर मैं ये स्ट्रेटजी आप लोगों के सामने लाया हूँ। और वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको ईच एंड एवरी पॉइंट क्लियर हो और स्ट्रेटजी क्लियर हो, ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें और आपको प्रॉफिट हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखने की कृपा करें, और जो भी वीडियो बनाता हूँ अगर उसमें आपको कुछ भी चीज़ पसंद आती है या स्ट्रेटेजी पसंद आती है, वीडियो पसंद आती है, तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का मोटिवेशन मिलने पर ही हमें और जोश आता है और हम अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज लाने की कोशिश करते हैं, जो कि आने वाले समय में आपको ट्रेडिंग में मदद करे। तो मोटिवेशन करना आपके हाथ में, वीडियोस लाना, ये मैं प्रयास करूंगा अच्छे अच्छे वीडियोस लाने की। तो चलिए टॉपिक की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख सकते हैं, आप investing.com में जाइए, जो भी प्लेटफॉर्म जो भी यूज़ करता है, कोई भी जो भी आपको पसंदीदा है, ट्रेडिंग व्यू हो, चाहे आपका टर्मिनल का हो, जो भी स्टॉक ब्रोकर आप यूज़ करते हो उसका हो, तो उसमें जाके आप ये बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट है दोस्तों, तो ये चार्ट मैंने लगा रखा है। ये 15 मिनट का चार्ट है, छोटे टाइम फ्रेम में मत ट्रेड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे फॉल सिग्नल मिलेंगे और आपको नुकसान भी हो सकता है। अगर आप ट्रेंड अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, अर्ली एंट्रीज भी आपको छोटे टाइम फ्रेम में मिलेगी, लेकिन श्योर एंट्रीज तो थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम यूज करने की कोशिश करें। तो जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, एकानाशी कैंडल स्टिक चार्ट है, ये एकानाशी कैंडल्स हैं, और इसमें अब मैं कुछ इंडिकेटर्स लगाऊंगा, चार इंडिकेटर्स होने वाले हैं और उसकी मदद से हम ट्रेड ढूंढेंगे कि कब हमने ट्रेड लेना है, यानी कि कब हमने कॉल बाई करनी है और कब हमने पुट बाई करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये हरी कैंडल बनी हुई है, तो हरी कैंडल जैसे जैसे हरी कैंडल मतलब लगातार बन रही, तो ये बुलिश ट्रेंड हो गया, और जैसे लाल शुरू हुई तो ये बेरिश ट्रेंड होगा, ये सभी को पता होगा बेसिक्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स ने बनना शुरू किया, ये देखिए एकानाशी कैंडल की खासियत ये रहती है कि जो बुलिश एकानाशी कैंडल होती है उसकी टेल या विक, जो ये पूंछ बोलते हैं, विक या टेल जो भी आप कहें, ये ऊपर की तरफ होती है, तो वो स्ट्रांग बुलिश होता है। और जैसे कि आप ये कैंडल को देखिए, रेड कलर की, ये बेरिश कैंडल है, तो इसकी जो विक या टेल या पूंछ, ये नीचे की तरफ होती है। जब ऐसी पूंछ नीचे की तरफ बनने लगे और ऊपर टेल ना हो, तो वो ट्रेंड बेरिश ट्रेंड है, अच्छे ट्रेंड में। और जैसे कि यहाँ पे ये दोनों तरफ वीक बन गई या टेल बन गई या पूंछ बन गई, तो उसको समझो कि ये ट्रेंड वीक है, ये डोजी टाइप का कैंडल है, यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल आने के पूरे चांसेस हैं। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे ये बना, हालांकि ये देखिए यहाँ पे भी छोटा सा एक वीक है ऊपर की तरफ, और उसके बाद ग्रीन का बनना शुरू हुआ, और देखिए फिर कहाँ मार्केट गई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डोजी, दोनों तरफ पूंछ बनी हुई है, वीक बनी हुई है, टेल बनी हुई है, तो यहाँ पे ये साइडवेज हो गया मार्केट, और फिर ये देखिए यहाँ से कितना मार्केट नीचे गया। तो ये भी आपको डोजी इंडिकेट कर देंगे ट्रेंड रिवर्सल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो लोग नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, इसको जरूर गौर कीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स ही हो,
पर मतलब वहां से कुछ भी हो सकता है, तो वहां पे आप सतर्क हो जाइए। अगर आपकी पोजीशंस हैं तो अपना स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाइए। यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे डोजी टाइप की बनी, उसके बाद फिर नीचे ही गया मार्केट। हालांकि ये रिवर्सल के संकेत होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लंबा बेयरिश ट्रेंड था, तो यहाँ रिवर्सल आने के चांसेस है। लेकिन अगर आप इसका हाई लो मार्क कर देंगे या एक जोन बना देंगे ये, तो आप जो भी जोन के ऊपर या नीचे ब्रेक करेगा उस साइड आपको जाना है। तो अभी हम चलते हैं स्ट्रेटेजी की ओर। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, इसकी मदद से भी आप ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन खाली इसी की मदद से नहीं लेना है, और भी कुछ फैक्टर्स आपको इन्वॉल्व करने पड़ेंगे जो कि आने वाले समय में आपको अच्छी ट्रेड देके जाएंगे। तो पहला जो इंडिकेटर हमारा होने वाला है दोस्तों, ये EMA है। आशा करता हूँ कि आपको इंडिकेटर्स लगाना आता होगा। यहाँ पे जाइए, इंडिकेटर सेक्शन में ये वाला आइकन है, इस पे जाइए, यहाँ पे लिखिए मूविंग एवरेज। ठीक है, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल में जाके आपने, यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए मूविंग एवरेज, ये सोर्स हाई कर देना है। ठीक है, इसका कलर मैंने ग्रीन किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। क्लोज की जगह आपने हाई करना है और लेंथ की जगह आपने 7 करना है। 7 EMA है, जो सोर्स है उसका हाई है। अब जो दूसरा इंडिकेटर होगा वो भी 7 EMA सोर्स, इसका हमने लो रखना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ करके, ये देखिए यहाँ क्लोज रखा हुआ है, ये इसको आपको लो करना पड़ेगा, और ये मैंने रेड कर दिया। ठीक है, ये रेड कर दिया। अभी एक 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 चैनल जैसा बन गया, आप देख सकते हैं एक चैनल जैसा बन गया। अगर इस चैनल के ऊपर चल रहा है मार्केट तो बुलिश है, और ये रेड लाइन के नीचे अगर प्राइस चल रहा है तो वो बेयरिश है। ये 2 EMAs हो गए, आपको यहाँ पे जाके इंडिकेटर्स लगाना है। ठीक है, सर्च करना है तो आ जाएगा। अब ये वाला जो तीसरा है वो भी एक मूविंग एवरेज है, तो मैंने इसको 35 मूविंग एवरेज लिया है। अब आप बोलोगे 35 क्यों लिया है, क्योंकि मैंने ये सोचा कि ये जो भी EMA हमारा छोटा EMA है उसका 5 गुना मैंने लिया है। आप जो मर्जी रख सकते हैं, आप 2200 जो भी आपका पसंदीदा है, लेकिन ये स्ट्रेटेजी में मैंने ये यूज किया है तो ये बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए आपको ये सेटिंग बता रहा हूँ। ये नॉर्मल होगा, ये क्लोज पे होगा, इसका इनपुट क्लोज ही होगा। इसमें हाई रखना है, इसमें लो रखना है, लेंथ 7 रखना है, इसमें लेंथ 7 रखना है। ये सिंपल मूविंग एवरेज है 35। ये ऑरेंज कलर की लाइन है, और इसके बाद जो हमारा ये फाइनल चौथा जो इंडिकेटर है वो है बोलिंजर बैंड। अब बोलिंजर बैंड में आपको पता ही है कि 2 बैंड होते हैं, हाईर अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडिल बैंड। ये मीडियन है, ये मिडिल बैंड है। इसका मैंने कलर वायलेट कर दिया है, अपर और लोअर का मैंने ब्लू रखा हुआ है। ये 4 इंडिकेटर हो गए। नीचे ये वॉल्यूम बता रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं 10-20 मूविंग एवरेज के ये लाइन है। जब भी इसके ऊपर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी, जैसे ग्रीन, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन ग्राफ है, ये बिल्डिंग जैसे दिख रहा है, ये ऊपर जाएगा, मतलब ये यहाँ से ये स्टॉक या इंडेक्स बुलिश है। अगर कोई लाल काटेगा ये ग्राफ ये मूविंग एवरेज के ऊपर, तो ये बेरिश जोन का इंडिकेशन है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये बेसिक वो है, तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसमें हमने ट्रेड किस तरह लेना है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट एक डिसीजन लेना पड़ता है इंसान को जो भी ट्रेड करते हैं। तो देखिए, हमारा याद रखे कि बाइंग के लिए, बाइंग रूल में आपको याद रखना है कि ये EMA 7 हाई, EMA 7 लो, और ये मिडिल बोलिंजर बैंड पर्पल लाइन, और ये 35 की मूविंग एवरेज ऑरेंज कलर की लाइन, इसके चारों के ऊपर जब प्राइस क्लोज होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कैंडल नीचे है डोजी टाइप की, यहाँ पे ऑलमोस्ट टच किया है। यहाँ पे ये देखिए, ये ग्रीन के ऊपर, ये ग्रीन लाइन के ऊपर भी क्लोज हो गया, रेड लाइन के ऊपर भी हो गया, पर्पल लाइन के ऊपर भी हो गया, और ऑरेंज कलर की लाइन पे भी हो गया। तो ये आपका एंट्री पॉइंट बनता
स्टॉप लॉस आप एक कैंडल के पीछे कर लीजिए। देखिए यहाँ पे स्टॉप लॉस, आप अगर आप स्टॉप लॉस आपको बड़ा लगता हो तो आप उसको थोड़ा सा हाफ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके रिस्क पे। जैसे कि ये देखिए, अभी मैं आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के बता रहा हूँ, ये आपका स्टॉप लॉस होगा। इसको कलर में डार्क कर देता हूँ, रेड कलर। ये कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे आपने ट्रेड मिला, ये स्टॉप लॉस होगा। आप देख सकते हैं यहाँ से, देखिए इसका हाई कितना था, हाई ब्रेक होने पे आपको बाय करना है। ये यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया आपको, लेकिन आपको बाय करना है जब इसका हाई ब्रेक हो। तो हाई कितना है, 33,717। जैसे इसने ब्रेक किया 33,752 इसका हाई है, इसने इसको ब्रेक कर दिया। मतलब तो जैसे ही आप 33,717 पे आपने बाई किया और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है, आप देख सकते हैं इसने हाई मारा है 34,653। आप लगा लीजिए ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स आपको देखे गए दोस्तों। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेना है। तो ये था बाई साइड का। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार दोबारा बता देता हूँ, आपने ट्रेड बाई का तब लेना है जब 7 EMA हाई, 7 EMA लो, मूविंग एवरेज सिंपल 35 और बोलिंजर बैंड का मिडिल बैंड, ये पर्पल लाइन, इस चारों लाइनों के ऊपर जब भी कोई कैंडल क्लोज होगी हिकनाशी, वो आपका सिग्नल कैंडल होगा। और जब उसका हाई ब्रेक होगा तभी आपने एंट्री करनी है और उसकी प्रीवियस कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस होगा। तो आशा करता हूँ कि इतना बात समझ में आ गई होगा, बाइंग रूल्स आपको समझ में आ गए होगा। विद एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, 717 पे आपने बाय करना था, 33,717 पे 18 मान के चलिए, और इसका हाई आप देख सकते हैं कि 34,653। आप लगा लीजिए, आप ऑलमोस्ट 900 पॉइंट्स आपको देखेंगे। अब सेल साइड का देखते हैं, ये सेल एग्जांपल। एक और टिप आपको दूंगा, जो वीडियो में बना रहेगा उसको बीच में कभी भी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि लोगों की आदत है वीडियो स्किप करना और तो थोड़ा थोड़ा देखना और फिर आधा अधूरा काम करना और फिर कहना कि आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, हमें तो लॉस हो गया। तो स्ट्रेटेजी को पूरा फॉलो करो, वीडियो को पूरा देखो, कोई बात नहीं। अगर 15-20-25 आधे घंटे का भी वीडियो जो आपको हजारों रुपए बना के दे सकता है तो देखने में क्या हर्ज है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो चलिए देखते हैं, जिस तरह से हमने बाय का रूल बनाया था उसी तरह सेल का रूल ये होगा कि जब भी कोई कैंडल की क्लोजिंग 7 EMA हाई के नीचे, 7 EMA लो के नीचे, बोलिंजर मिडिल बैंड के नीचे और सिंपल मूविंग एवरेज 35 के नीचे क्लोजिंग दे दे, तब आपने ट्रेड लेना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते, यहाँ पे देखिए 35 के नीचे क्लोज नहीं हुआ है। कौन सी कैंडल क्लोज हुई है, ये नहीं हुई, ये नहीं हुई, ये हुई है। तो इसका लो ब्रेक होने पे आपने लेना है और स्टॉप लॉस आपका रहेगा ये वाला, इस कैंडल का। ये स्टॉप लॉस को मैं यहाँ ले जाता हूँ, इस कैंडल का लो पे स्टॉप लॉस रहेगा, ये आप देख सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहीं हिट नहीं हुआ, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका जो वैल्यू है लो का 34,216 और इसने लो मारा है, देखो कितना, 33,183, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स आपको देखे गए। हो सकता है दूसरा दिन दिया हो, वो मैंने वो नहीं लगाया, इसमें लगाता हूँ सेशन ब्रेक लगाता हूँ ताकि आपको पता लगेगा। सेशन ब्रेक ये देखिए, यहाँ पे आपको ट्रेड मिला था इस कैंडल पे, जो कि आपको मिला था 12:45 को और नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 2:30 को इसने लो मारा था। तो दो दिन आपको वेट करना पड़ता, 1000 पॉइंट्स। अगर आप प्रीमियम का 500 रुपया भी पकड़े, 500 × 25 कर लीजिए, आप 12,500 रुपया बनते एक छोटे से कॉल पुट लेने में।
तो ये है सिंपल बाइंग और सेलिंग रूल। यहाँ पे दोबारा आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज आप देख सकते हैं, ये मूविंग एवरेज के ऊपर ही है, कैंडल क्लोज हुई है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये बड़ी कैंडल बनी है और ये चारों हमारे लाइंस के ऊपर है। तो इसके हाई पे हमने बाई करना था, आप देख सकते हैं हाई कितना है, 33,960 का हाई है आप देख सकते हैं, और इसने हाई बनाया है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यही हाई है 33,960 और ऑलमोस्ट 850 पॉइंट का यहाँ पे आपको नेक्स्ट डे यहाँ पे बेनिफिट मिल गया। अब यहाँ पे देखिए सेल ट्रेड वापस, यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने क्लोजिंग दी है, इस कैंडल ने इस मूविंग एवरेज के हाई के नीचे भी 7 EMA का 7 EMA लो के नीचे भी हुआ, मिडिल बैंड के नीचे भी हुआ और 35 मूविंग एवरेज के नीचे भी हुआ, सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे। ये देख सकते हैं आप 34,359 का लेवल है, इसको ब्रेक जैसे ही ब्रेक होगा 34,359 आप देख सकते हैं कि उसी दिन आपको 359 से लेके ये 125 तक गया, ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स, 130 मतलब 50-60 रुपये प्रीमियम आपको आराम से, हाफ भी पकड़ो तो 50 रुपये भी पकड़ो तो आपको आपको 2,500 रुपये यही मिल गया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताने जाने वाला, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वो ये है कि जब भी कैंडल ऊपर को, यानी कि आपको ऊपर का ट्रेंड मिले, या जैसे कि ये ग्रीन कैंडल ने इसका ब्रेकआउट ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हो गया, बुलिश का सिग्नल मिले, बाइंग का सिग्नल मिले, कॉल बाइंग का, तो आपने ये देखना है कि मेरा अपर बोलिंजर बैंड का जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए, नीचे वाला मत देखिए, नीचे बैंड। अगर आपको अपर साइड ब्रेकआउट मिल रहा है या बुलिश साइड इंडिकेशन मिलता है तो आपने ये देखना है कि अपर बोलिंजर बैंड किधर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है, ऊपर को जा रहा है तो श्योर शॉट है आपको फायदा होगा। उसी तरह जब आपका सेल सिग्नल मिले यहाँ पे, तो आपको देखना है कि लोअर बोलिंजर बैंड शुड पॉइंट डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ फेस करना चाहिए। जब ऊपर को सिग्नल मिले तो बोलिंजर बैंड, अपर बोलिंजर बैंड शुड पॉइंट अपवर्ड्स, एंड वेन बेरिश सिग्नल कम्स द लोअर बोलिंजर बैंड शुड पॉइंट डाउनवर्ड्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है देखने की। और जब दोनों बोलिंजर बैंड स्ट्रेट चल रहे हो, जैसे कि यहाँ ये एक क्या कहते हैं रेंज बाउंड जोन है, रेंज बाउंड, इस पे भी ध्यान रखना। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पहले दिन आपको मिला है लेकिन इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं है, आप चाहे तो बफर लगा सकते हैं, 10-15 पॉइंट का आप बफर लगा दीजिए तो आपको धोखा नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया मूवमेंट मिला है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये नीचे गया, देखिए मार्केट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, आप देख सकते हैं। अगर आपको होल्ड भी करते हैं नेक्स्ट डे, आपको ये देखिए कितना है 39,376, नेक्स्ट डे 376 या 200 पॉइंट प्रॉफिट, ये आपका स्टॉप लॉस था। आप स्टॉप लॉस ध्यान में रखिएगा, स्टॉप लॉस आपको लगाना जरूरी है। यहाँ पे देखिए फिर दोबारा यहाँ पे इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, जैसे इसका हाई नेक्स्ट कैंडल ने नहीं तोड़ा लेकिन अगले कैंडल ने तोड़ दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस है। तो ये इसका हाई कितना था 39,245, ये कितना गया 39,688, 245 से ऑलमोस्ट 440 पॉइंट एक ही दिन में आपको दे दिया। तो 200 रुपया भी मिल गया होता तो 200 रुपया इंटू 25 आप लगा लो 5,000 रुपया होता है। ये देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे दे दिया इसने ब्रेकआउट, ये देखिए इस कैंडल इसने नहीं तोड़ा, इसने तोड़ा, इसका हाई जैसे ही ब्रेक होगा 39,259, 250 मान के चलिए, देखिए कहाँ गया 39,250 से लेके सीधा
सीधा 750 पॉइंट देखेंगे। तो सिंपल और सरल स्ट्रेटेजी है, आप लोग यूज करो। पहले बैक टेस्ट करो, मेरे कहने पे मत जाओ, आप बैक टेस्ट करो। बैक टेस्ट करने के बाद क्या आपको रिजल्ट मिलता है, अगर आपको कॉन्फिडेंस आता है तो ट्रेड करना। दोस्तों मैं एक सभी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मेरा यह अनुरोध है आपसे कि आप स्वयं बैक टेस्ट करें, मेरे कहने पे ना जाएं, स्वयं प्रैक्टिस करें, पेपर ट्रेड करें, उसके बाद ही असल ट्रेड लें, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि स्ट्रेटेजी काम करती है। तो इसी अनुरोध पे इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप लोग इसी तरह मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि बहुत मैंने वीडियोस बनाए लेकिन जो आउटपुट मैं चाह रहा था आप लोगों से वो मुझे नहीं मिला, इसलिए भी मुझे थोड़ा सा दुख है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है, अगर आपको इससे कुछ भी थोड़ा बहुत भी फायदा होगा ट्रेडिंग में, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, और पॉइंट्स दोबारा एक बार समझ नहीं आएगा तो दोबारा देखिए वीडियो को, समझिए, उसके बाद ही ट्रेड कीजिए। ट्रेड से पहले पेपर ट्रेड लीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड टाइम एंड हैप्पी ट्रेडिंग।